फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षित फैमिली व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं व्लॉग में, ये शादी का कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस व्लॉग के माध्यम से मैं लेके चल रही हूँ एक शादी में। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ कि मिष्टी की बुआ की शादी है, मेरी ननन जी की शादी है, और ये शादी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये गाँव की शादी है। दोस्तों, अभी तक आपने शहर की शादियाँ देखी होंगी, बट देशी शादी अगर आपको देखनी है तो पूरा व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पापड़ फ्राई किए जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज तेल पूजन की रस्म है। आपको तो पता ही है कि लड़की की शादी में शादी के 2-3 दिन पहले तेल पूजन की रस्म की जाती है। घर की सारी औरतें, लेडीजें दुल्हन को तेल लगाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर चौक पर दुल्हन जी आके बैठ गई हैं। दुल्हन मतलब मेरी की प्यारी ननंद। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर दुल्हन की सिस्टर आ गई है उसको तेल चढ़ाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तेल दुल्हन की सिस्टर ही चढ़ाती है अगर फैमिली में है। अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी फैमिली की छोटी लड़की उसको चढ़ा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए तेल चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद मैं दुल्हन की बड़ी भाभी, तो मैंने तेल लगाया। दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही तेल हम लोग लगा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग 5 देवरानी जेठानी हैं। तो ये देखिए, मेरी सेकंड नंबर की देवरानी यहाँ पर तेल चढ़ा रही है दुल्हन को। उसके बाद सबसे छोटी देवरानी ने तेल चढ़ाया और यहाँ पर तेल चढ़ाने का प्रोग्राम पूरा हो गया। तो अब दोस्तों, हम लोगों ने घर में तो रस्म कर ली दुल्हन को तेल लगाने की, चढ़ाने की, बट हम लोगों के यहाँ तेल की रस्म होती है बहुत दूर, मंदिर में जाके, गांव में, खेत में, बाग में। इसीलिए मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में कहा है कि आपको देखने को मिलेगी देसी शादी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तैयारी हो गई है पूजा की। पूजा की थाल देखिए हर तरीके से तैयार है। और जो घर में ये पापड़ बनाए गए थे दोस्तों, तो इनका देखिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। जगह जगह कुछ देवता हैं, कुल देवता हैं, कुछ और देवता हैं, उनके नाम से ये पूजा की जाती है और पापड़ वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पूजा विधि हो रही है। कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके यहाँ भी इस तरीके से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, सभी के वहाँ शादी की तैयारियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे वहाँ माता जी को सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। जो सिंदूर चढ़ा रही हैं वो हमारी ताई सास हैं, ये हमारी परिवार की सबसे बड़ी लेडीज़ हैं, तो सारे देवता यही पूजा करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं और मेरी छोटी देवरानी आपको हेलो करते हुए, और ये हमारे गाँव की फैमिली की लेडीज़ हैं कुछ संगीत के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर शादी का गीत होने के बाद सबको बहुत गर्म लग रही थी, पानी पीना था। तो आपको तो पता ही कि गांव-गांव में सरकारी नल की सेवा उपलब्ध होती है, तो सभी लोगों ने पानी पिया, एंजॉय किया। उसके बाद सभी लेडीजें लग गईं गपशप करने में और हम लोग चल दिए आगे की ओर। तो देखिए कितनी ही हरियाली है चारों तरफ दोस्तों, कि यहाँ पर गाँव की शादी में ये हरियाली आपको मैं दिखाना चाहती थी। ये देखिए हमारे गाँव के खेत, बाग, गन्ना। दोस्तों, ये हमारे घर के गन्ने हैं। कभी आगे टाइम मिलेगा तो आपको पूरे बाग और खेत में दिखाऊंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, ये मंदिर हमारे घर के पास का है जहाँ पर देवता पूजे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना, कई देवता पूजे जाते हैं। ये देखिए, हम लोग चलते हैं घर की ओर और आगे आपको दिखाती हूँ कि घर में शाम को हुआ प्यारा सा संगीत, जो कि दोस्तों बहुत ही देसी स्टाइल है। तो दोस्तों, शादी चाहे गांव की हो चाहे शहर की, नाश्ता तो करना बनता है। तो देखिए आ गई है गरम गरम चाय। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शादी के ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीक्षित फैमिली ब्लॉग्स।